मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। शांति। आज की तारीख है 15 जुलाई 2023 के बाबा के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे बाप को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो। खुले बस सच्ची दिल में ही बाप की याद टिक सकती है। बाबा ने प्रश्न पूछा, इस समय छोटे बड़े सबकी बाणप्रस्थ अवस्था होते भी तुम कौन से बोल मुख से नहीं कह सकते हो। बाबा ने उत्तर दिया, बाबा अभी जल्दी करो, अभी हम घर चलें, यहाँ तो बहुत दुख है। बाबा कहते, तुम बच्चे ऐसा कभी नहीं कह सकते क्योंकि तुम अभी ईश्वर के सम्मुख बैठे हो, अभी तुम्हें शीतल गोद मिली है। इस समय तुम ऊंचे से ऊंचे बने हो, सतयुग में डिग्री कम हो जाएगी, देवी संतान बनेंगे ईश्वरीय नहीं, इसलिए तुम जल्दी नहीं कर सकते। गीत, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है। मुकद्दर बनाने को जी चाहता। ओम शांति। मीठे मीठे बुलाने वाले बच्चों ने अब जाना, भगत भगवान को बुलाते हैं। अब तुम भगत तो नहीं ठहरे, तुम हो बच्चे। बच्चे तो याद भी करते हैं, लिखते भी हैं कि बाबा हम सम्मुख सुनने चाहते हैं, निमंत्रण देते रहते हैं, बाबा आपसे सम्मुख सुने। अब सिवाय ब्रह्मा मुख के डायरेक्ट सुनना तो मुश्किल है। बच्चे जानते हैं बाबा कल पहले माफिक आए हुए हैं। ब्रह्मा मुख में शाबली ब्राह्मण कुलभूषण नाम कितना अच्छा दिया हुआ है। ब्रह्म कुमार कुमारियाँ तो बहुत हैं, उनको ज्ञान मिला हुआ है। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उनको ही सुख का सागर भी कहा जाता है। गाया भी हुआ है, दुख हरता सुख करता, वह तो शिव बाबा ही है। नाम कितने भिन्न भिन्न दिए हैं, गायन तो बहुत है ना। गाते हैं हर हर अर्थात दुख को हरो, भगवान के लिए ही गाते हैं। परंतु भगवान का पता ना होने कारण ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए कह देते हैं देव देव महादेव, शिव को भूल शंकर के लिए कह देते हर हर महादेव। ब्रह्मा और विष्णु को महादेव नहीं कहेंगे, वह तो दोनों स्थूल पाठ में आते हैं। शंकर सूक्ष्म वतन में ही रहता है, दुख हरने वाला पतित पावन तो एक निराकार भगवान है, शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे। महिमा सारी एक की है, विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण है, जिनका अलग अलग जन्म होता है। विष्णु अवतरण भी गाया हुआ है, चतुर्भुज दिखाते हैं, परंतु यह किसको पता नहीं है कि पहले लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण बनते हैं। यह तुम ही जानते हो, यह भी जानते हो माया का बड़ा भारी तूफान सूक्ष्म में आता है। माया भुला देती है, बहुत तूफान लाती है। कोई भी बात खुली दिल से बच्चे पूछते रहें तो प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। तूफान भी अनेक प्रकार के आते हैं, स्वप्न छींची विकल्प अनेक प्रकार के आते हैं, आंधी तूफान को कहा जाता है। अब यह ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, बाकी भी
बाबा ने प्रवेश किया है तो बहुत नामी ग्रामी हो गया है। जैसा तैसा मनुष्य का देश वैसा देश भी होता है। अभी तो देखो कोई लूले लंगड़े कोई कुब्जा किसकी आंख नहीं होगी। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी है क्योंकि पांच तत्व भी सतो प्रधान है। तो यह ज्ञान सम्मुख सुनने के लिए बच्चियां बुलाती हैं। गीतों में भी कुछ न कुछ ठीक है। जैसे देवता धर्म का लोप है फिर भी मंदिर यादगार तो है ना। यादगार सभी धर्म वालों का है यह तुम बच्चे ही समझते हो। बरोबर ऊंच से ऊंच एक निराकार भगवान को कहा जाता है। उनका ही गायन है और है भी संगम युग। जब आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं आत्माएं तो बहुत है ना। वृद्धि होती रहेगी। अभी तुम बच्चे सुमुख सुन रहे हो औरों की भी दिल होती है सुमुख सुने। यहाँ आ नहीं सकते बांधेलियां हैं और कोई भी सत्संगों में जाने लिए कभी किसको मना नहीं करते। बंबई में गीता सुनाते हैं कोई भी धर्म वाले जा सकते हैं फीस नहीं है। भिन्न भिन्न गुरु पास जाते रहते हैं कि कहां से सहज रास्ता मिल जाए। मुक्ति और जीवन मुक्ति के रास्ते का किसको पता नहीं है इसलिए बहुत ढूंढते हैं। यहां तो कोई गुरु गोसाई है नहीं ब्रह्म कुमार और कुमारियां बस। महात्मा कोई नहीं जैसे तुम हो वैसे ही है यानी दादा है। फर्क कुछ नहीं है देश आदि में कोई फर्क नहीं है। यह शाल आदि भी कभी उतार देता हूँ परंतु ड्रामा अनुसार यह जैसे ऑफिशियल ड्रेस है। ड्रेस को तो देखना नहीं है। बुद्धि श्री बाबा तरफ चली जाती है और सभी मनुष्य शरीर को देखेंगे। तुम अपने शरीर को भी भूलते हो और इस दादा के शरीर को भी भूलते हो। देही अभिमानी बनना है इनके शरीर को नहीं याद करना है। शिव बाबा इन द्वारा हमको राजयोग सिखलाते हैं। वही नालन पुल त्रिकालदशी है आदि मध्य अंत का राज इस समय बैठ सुनाते हैं। बुढ़ियों आदि के लिए भी बड़ा सहज है। उन स्कूलों में तो बुढ़ियाएं कुछ समझ ना सके यह सबके लिए सहज है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। जैसे मनुष्य मरने पर होते हैं तो मंत्र देते हैं राम राम कहो यह कहो बहुत करके पान प्रस्थ के बाद ही गुरु का मंत्र लेते हैं। परंतु अभी तो बाप कहते हैं सारी प्राणी दुनिया का विनाश होना है। बूढ़े जवान छोटे सबकी पान प्रस्थ अवस्था है ऐसे तो और कोई कह ना सके। कहेंगे सबका मौत लाने तैयार हुए हो क्या। हाँ मौत तो सबका होना ही है। कोई कोई कहते हैं बाबा यहाँ अर्जुन कब तक रहेंगे हम जल्दी जाने यहाँ बहुत दुख है। आगे चलकर भी ऐसे ऐसे कहेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे क्यों कहते हो। अरे इस समय तो तुम ईश्वर के सम्मुख हो फिर तो डिग्री डिग्रेड हो जाएगी जाकर देवी संतान बनेंगे। अभी यह शीतल गोद अच्छी है वहाँ यानी स्वर्ग तो होगा ही शीतल परंतु यहाँ तो तत्ते यानी गर्म को भी शीतल बनाया जाता है तो वह अच्छा रहता है। ऐसे नहीं कि अभी जल्दी करो अभी तो हम ऊँच से ऊँच हैं। नामा चार ही सारा इस समय का है। दिलवाड़ा मंदिर भी इस समय का है। सारी सृष्टि के आत्माओं की दिल लेने वाला है बाप। दिलवाड़ा मंदिर सभी के लिए है। आत्मा शरीर द्वारा पुकारती है बाबा आओ आकर हमको नया बनाओ। हम पुराने हो गए हैं आत्मा और शरीर दोनों ही पुराने हैं। आत्मा बुद्धिहीन अंधी बनी है। मनुष्य को थोड़ी अंधा कहा जाता है। आंखें तो है ना परंतु बुद्धि अंधी है। आत्मा में जो बुद्धि है याद करने की वह बिल्कुल भूल गई है। तो गोपी काएं कोई कहां से बुलाती हैं। बांधेली गोपी काएं
छोटे छोटे गांव से बुलाती रहती हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, सतयुग में ग्रस्त आश्रम था, पवित्र था, अभी तो विष के लिए कितना हैरान करते हैं। यह नहीं समझते कि यहाँ निर्विकारी बनाया जाता है। निर्विकारी बनने से फिर क्या बनेंगे वह भी पता नहीं। सन्यासी भी पवित्र बनने लिए भागते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाएंगे। इन बातों को वह मानते ही नहीं। इस समय इतना दुख है जो समझते हैं इससे मुक्ति अथवा मोक्ष अच्छा है। बाप ने समझाया है, ड्रामा में मोक्ष किसको मिलता ही नहीं है, अभी तुम जानते हो। बाप कहते हैं सिर्फ इतना याद करो कि 84 जन्म पूरे हुए। अब बाबा आया है लेने लिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो तूफान बहुत लगेंगे। विवेक भी कहता है निरंतर याद करना बड़ा मुश्किल है, पर बाबा कहते हैं तुम कर्मयोगी हो, परंतु देखा गया है कर्म करने के समय याद भूल जाती है। ऐसी अवस्था को पाने में टाइम लगता है, इसमें बहुत पुरुषार्थ करना होता है। कॉलेज में पुरुषार्थी बच्चों को रात दिन पढ़ने की हाबी रहती है, कोशिश करते हैं गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप ले लें, बहुत माथा मारते हैं, फिर बड़े खुश होते हैं। यहाँ भी बाप कहते हैं तुम अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लो, पहले पहले तख्त नशीन बन जाओ, दौड़ी लगानी चाहिए। तुम जानते हो अभी बाप सम्मुख बैठे हैं, डायरेक्ट इस रथ में बैठ बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। ब्रह्मा का तन तो मुकर्रर है, बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ, तुम पुकारते थे बाबा आओ, अब मैं आया हूँ। तुम आत्माएं भी निराकार हो, हम भी निराकार हैं। तुम भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल धारण कर याद करते आए हो, अब सम्मुख तुमसे बात कर रहा हूँ। तुमको तो अपने शरीर का आभार है, हमको यह लोन लेना पड़ता है। बाप बच्चों को कहते हैं अब यह पुराना चोला छोड़ना है, नाटक पूरा हुआ, अब निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करो। अगर और कुछ याद पड़ता रहेगा तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी। जितना हो सके औरों की याद निकाल दो, यात्रा पर जाते हैं तो बुद्धि में वही याद रहती है। बस हम श्री नाथ द्वारे जाते हैं, तुम्हारी है सच्ची रूहानी यात्रा, आत्मा परमात्मा के साथ योग लगाती है, फिर शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करने लिए यहाँ आते जाते हैं। कहाँ भी हो याद रहनी चाहिए। तुम जानते हो भगवान सर्वव्यापी नहीं, वह तो बाप है और बाप से तो वर्षा मिलता है। सर्वव्यापी कहने से कोई मतलब ही नहीं निकलता, बाप को तो वर्षा देना होता है। उनको यह आश नहीं रहती कि मुझे वर्षा मिलना है, आश रहेगी बच्चों को वर्षा देना है। इस बाप की भी दिल में है हमको वर्षा देना है। बाप और बच्चों का संबंध है, बच्चों को वर्षा लेना है, बाप को देना है, बाप फिर क्या लेंगे, उनको देना होता है। सच्ची आत्मा पर साहिब राजी होता है तो कितना सच्चा बनना चाहिए, परंतु सभी बच्चे होना तो वर्षा देने वाले बाप को याद करना चाहिए। कच्चे बच्चों को याद नहीं रहता। शरीर निर्वाह अर्थ फल कर्म करो, फिर फुर्सत के समय बाप को याद करो। याद की यात्रा का रजिस्टर तुम्हारा ठीक होता जाएगा तो खुशी रहेगी। मनुष्य को जो आदत पड़ती है वह वृद्धि को पाती है। बुद्धि में रहना चाहिए, हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब नाटक पूरा हुआ, अभी हम जाते हैं अपने घर। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। गीता में भी 2 बार मन मना भाव लिखा हुआ है। कुछ कुछ बातें आटे में लून है,
अन्य धर्म वालों के कोई चित्र आदि नहीं रहते हैं, तुम्हारे चित्र हैं। ब्रह्मा का भी अजमेर में चित्र है, ब्राह्मणों में भी बहुत प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न नाम रखे हुए हैं, भाषाएं देखो कितनी हैं। बच्चे जानते हैं हमारी राजधानी में एक ही भाषा होगी, वहाँ की भाषा ही और है, संस्कृत आदि नहीं होती है। बच्चियां वहाँ की भाषा आदि सुनाती थी, अब तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए, हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं, फिर वहाँ अपनी भाषा होगी, यहाँ की भाषाएं वहाँ नहीं हो सकती। ड्रामा की नूंद अनुसार फिर वहीं अपने महल आदि बनाएंगे, कलर पहले मापे। यहाँ यह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने न्यू दिल्ली बनाई ना, तुम जानते हो हम दिल्ली नाम नहीं रखेंगे, यह पुरानी दुनिया तो ख़त्म होनी है, हमको नई से नई दुनिया चाहिए। वहाँ तो हीरे जवाहरों के महल बनेंगे, अभी तो वह महल नहीं है। बुद्धि कहती है हम बहुत फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे, यह तो छीछी दुनिया है, ऐसी ऐसी आपस में बातें करनी चाहिए। बहन जी भाई जी हम तो जाएंगे, फिर आकर अपनी राजधानी संभालेंगे, ऐसे लिबास पहनेंगे, आगे जेवर आदि सब सच्चे पहनते थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कितने जेवर आदि होंगे, शिव का मंदिर क्या होगा, शिव का लिंग भी हीरों का बनाते हैं, यह भी समझने की बातें हैं। हमारे शिव बाबा के मंदिर को बरोबर मुसलमानों ने आकर लूटा है, जो भक्ति मार्ग के शुरू में बनाया था। तुम जानते हो द्वापर युग से शिव बाबा के मंदिर बने हैं, आपे ही पूज्य से फिर पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बना है, सोमरस कहा जाता है, नालज को नालज देने वाला पाप है, जिससे तुम धनवान बनते हो, फिर उसी धन से तुम बाप का मंदिर बनाते हो, पूजा भी तो होगी ना, घर घर में मंदिर बनाते हैं। तुम जानते हो जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर हम पुजारी बन मूर्ति आदि बनाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अभी आशिक बने हैं, माशूक परमात्मा के, उनसे वर्षा लेने लिए, वह विकार के लिए आशिक होते हैं, यह फिर आत्मा परमात्मा माशूक की आशिक होती हैं। देखते हो सभी भगत उनको याद करते हैं, उस माशूक की महिमा बड़ी भारी है। आशिक जो पतित बन गए हैं उन्हों को पावन बनाते हैं, आत्मा ही पतित आत्मा ही पावन बनती है। अच्छा मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा इस मीठी 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 मुरली के लिए, धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर एक, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ना है, तकत नशीन बनने की दौड़ लगानी है, कर्म करते याद में रहना है। नंबर दो, हम रूहानी यात्रा पर हैं इसलिए और सब की याद बुद्धि से निकाल बाप की याद में निरंतर रहना है, याद का रजिस्टर ठीक रखना है। वरदान, निरंतर योगी और पवित्र बन सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव। बाप द्वारा सभी बच्चों को मुख्य दो वरदान प्राप्त होते हैं, एक सदा योगी भव दूसरा पवित्र भव। जो यह वरदान जीवन में सदा अनुभव करते हैं वह दो चार घंटे के योगी नहीं होते, लेकिन निरंतर के योगी होते हैं। पवित्र भी कभी कभी नहीं, सदा पवित्र और सर्व विकारों को विदाई देने वाले ऐसे नहीं। कभी क्रोध या मोह आ गया कोई भी विकार स्मृति स्वरूप बनने नहीं देगा, तो ऐसे योगी ही शक्ति स्वरूप हैं और सदा पवित्र रहने वाले पूज्य स्वरूप हैं।
स्लोगन सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। ओम शांति।